मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र आज समाप्ति की ओर है। 31 जनवरी को सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ हुई और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में अंतरिम बजट पेश किया। माना जा रहा है कि सत्र का आखिरी दिन बेहद खास होगा। आपको बता दें कि लोकसभा में राम मंदिर को लेकर बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां राम है वहां धर्म है, जो लोग धर्म को नष्ट करते हैं वे मारे जाते हैं और जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं वे संरक्षित हैं। कांग्रेस ने इन्हें अस्वीकार किया, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। वाल्मीकि रामायण ने कहा है, यतो हो धर्म है ततो राम है, यतो राम है ततो धर्म है, जहाँ राम है वहाँ धर्म है। और साथ साथ में भगवान व्यास ने ये भी कहा था, धर्मो रक्षित है रक्षित है, हतो हो धर्मो हतो हंतु, जहाँ जो धर्म के हाना करता है धर्म की हत्या करता है उनकी हत्या हो जाती है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा होती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जो है राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति है। सत्यपाल सिंह के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने वक्तव्य में कहा, ये भारत देश भक्ति और आस्था का देश है। इस देश में सद्भावना से अपनी विविधता को बांधते हैं। भगवान राम सबके हैं और सबके साथ हैं। साथ ही भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि नाथूराम गोडसे का खंडन करें, रावण को भी उनके अहंकार ने मारा था। आपका अहंकार आपको समाज की खामियां देखने से रोकता है। सर, मैं इसीलिए सत्ता पक्ष को भी सतर्क करना चाहूंगा कि आप नाथूराम का रास्ता त्याग करें। आप नाथूराम को पूजा करने का ये जो आपकी परंपरा है उसको त्याग करें, नाथूराम गोडसे का खंडन करें, इसमें आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में सत्र के आखिरी दिन आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने वाले फैसले को बड़ा बताया और कहा, कल किसानों ने कनॉट प्लेस में मिठाई बांटी। मैं ये भी मानता हूँ, 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। जयंत चौधरी के वक्तव्य पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया कि किस नियम के तहत इनको बोलने दिया गया। साथ ही कहा कि सरकार लोगों को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है लेकिन इसका शोर भी मचा रही है, हम सभी को सैल्यूट करते हैं, जिसके बाद सदन में बहस शुरू हो गई। नहीं तो भारत रत्न वालों को बोलिए, नहीं नहीं सुनिए, नहीं आपके लोगों ने जब चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की चर्चा हो रही थी, इतना आई डोंट वांट टू यूज वर्ड्स, अरे सब no, के सब ने क्या, अरे मैं तो बोल रहा हूँ, इसे बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया। डोंट मेक पॉलिटिक्स, आई टोल्ड वी सैल्यूट ऑल द पीपल दोज हु हैव वर्क्ड फॉर दिस कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, वी सैल्यूट देम। लेकिन द वे हियर द डिस्कशन इज गोइंग ऑन, नाइदर you are following the rules nor you have brought the that agenda for discussion. We could, all could have participated discussion on Bharat Ratna giving to the so and so, so and so, so and so people who contributed their entire life for the country. आपको agenda भी नहीं है, सो मोटो उठा के बात कर रहे हैं, that is not fair. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेताओं को जवाब देते हुए कहा कि आपने लगातार चौधरी चरण सिंह और उनकी विरासत का अपमान किया है, आपके पास भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के लिए समय नहीं था। चौधरी चरण सिंह के मुद्दे पर सदन में ऐसा माहौल, हमारा सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। You insulted his legacy. You had no time for Bharat Ratna Chaudhary Charan Singh. आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो, उसके दिल को दहका रहे हो। चौधरी चरण जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार का वातावरण हाउस में करना, our head should go in shame. मैं खुद पीड़ित हूं, दुखी हूं।